इस पतंग की ना डोर किसी को नहीं मिलेगी भाई, डेर करनी पतंग आई हमारी। यहाँ पे देखो नीचे से मेरी पतंग आई, ऊपर से ब्लैक वाला है, देखो ये गया काट दी उसकी पतंग। फिर से देखो गिलहरा पतंग मेरी रही, ये मैंने ऊपर उठा के दी, उसे मारा उसने, फिर से देखो ये वाली पतंग भी हमने काट दी है, उसे डोर ही नहीं मिली होगी मेरी, वो बेचारा कन्फ्यूज हो गया क्या करे क्या करे। और ये वाला देखो गया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो ये देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में उड़ाने वाले हैं ये गिलहरा पतंग। और देखो पतंग मैंने डेढ़ कन्नी पतंग बनाई है, इसके कन्ने देखो आप, कन्ने मैंने कितने छोटे बांध रखे हैं और तीन कन्ने बांध रखे हैं इसमें। इससे क्या होगा ना, पतंग का जो झोल होगा ना हमारा, वो काफ़ी नीचे पड़ा रहेगा, और अगर हम नीचे का पेड़ लाते हैं तो हमारे अपोनेंट को जो ऊपर से होगा उसे हमारी डोर नहीं मिलेगी। और मांझा देखो, ये वाला हम उड़ाने वाले हैं साजिद का मांझा। तो इस पतंग को करते हैं पार और फिर आपको पेड़ ला के दिखाते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो देखो डेढ़ कन्नी पतंग हमारी पार होके जा रही है, और आज हवा है ना एकदम मीठी हवा है। अब मीठी हवा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, मीडियम हवा फिलहाल, ये जो मीठी हवा मैं कह रहा हूँ ये पतंगबाजों की लैंग्वेज है। और अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो तो आप भी एक पतंगबाजी हुए तो आप समझ लो भाई, ये थोड़ा जानना चाहिए इन चीज़ों को भी। तो देखो मीठी हवा कहते हैं एकदम नॉर्मल हवा को, तो एकदम मीठी हवा चल रही है यहाँ पर, तो पतंग हमारी पार होके जा रही है। तो डायरेक्ट मैं आपको पेज की तरफ ले चलता हूँ। अब पतंग देखो अभी हमारी बहुत आराम आराम से पार होके जा रही है, आपको लगेगा कि हवा काफ़ी कम है, लेकिन हवा भाई ऊपर बहुत अच्छी है। जैसे ही हमारी पतंग थोड़ी सी और रेंज में जाएगी ना ऊपर, तभी ये पतंग में हमारी हवा बहुत अच्छी लगेगी और हमारी पतंग एकदम तन भी जाएगी। तो अभी आप देखना पूरी वीडियो। यहाँ पे देखो हमारा पेज आ गया, तो जो पतंग आपको रेड सर्किल के अंदर दिख रही होगी हमारी पतंग भी ऊपर चढ़ा रहे हैं, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग भी नीचे से आ रखा है। अब देखो मेरी पतंग डिगड़ करनी है तो मुझे नीचे का पेज लेना चाहिए था, लेकिन हमारा अपोनेंट हमें नीचे का पेज नहीं दे रहा है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं हमारी मजबूरी है ऊपर का पेज लड़ाना। तो कोई नहीं यार, ऊपर का पेज भी हम लड़ा रहे हैं, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा झोल बहुत लटक रहा होगा, बस हमारा अपोनेंट हमारा झोल ना काट दे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है बस। तो चलो यार, अब ऊपर का दे रहा, ऊपर का ही लड़ा के दिखाते हैं आपको। अब देखो एक तो भाई पतंग नहीं खींच रहा, तो मैंने भर्रा छोड़ा, और देखो उससे चकमा दे के मैंने ये वाली पतंग काटी है। वो बताऊँ, पतंग उठा नहीं रहा था, तो मैंने एकदम डोरा छोड़ दिया पतंग का, उसे लगा कि हमारी पतंग टूट गई है, और जैसे उसने खींची मैंने उसी के साथ साथ पतंग उठा ली। तो यहाँ पे आ गया एक और पेज। देखो ये जो पेज है ये मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, जो रेड वाली पतंग दिख रही होगी गिलहरा मेरी पतंग है, नीचे से हूँ, और ऊपर से देखो चार खाना आ रखा है। ये तो गया भाई, मार मार मार, देखो गद्दा मार रहा है और उसे डोरी नहीं मिल रही है। मैंने अंदर की दिखा के डोरा छोड़ भी दिया था, क्योंकि उसका जो झोल उठ रहा था ना उससे मेरी पतंग कट सकती थी। अब वो भी कंफ्यूज हो गया होगा, उसने गद्दा मारा लेकिन डोर नहीं मिली उसे, डोर मेरी बहुत नीचे पड़ी है क्योंकि कन्ने ही मैंने ऐसे बांध रखे। फिर मारी देखो उसने, फिर बचा ली, मारा मारा मारा, खींच गया मैं पूरा। उसकी पतंग जब नीचे आई ना, उसको डोर ही नहीं मिली, और जब उसकी डोर मेरी डोर में आई, मैंने पूरी पतंग खींच के उसकी डोर काट दी। तो यहाँ पर भी देखो मैंने पेज ये वाला भी काट दिया है। अब देखो आप पतंगबाजी देखो, यहाँ पे ये पतंग तंगे उड़ रही हैं, आगे पतंगबाजी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। आपको मैंने कई बार अपनी वीडियो बता रखा कि जो टावर के उधर का एरिया ना, उधर काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं। मेरी तरफ थोड़ी बहुत पतंगें कम उड़ती हैं, लेकिन तब भी मैं अपनी पतंग उधर ले जाके उन लोगों की पतंग काट देता हूँ। तो देखो वहाँ पे पतंगें तंगे पार हो रही हैं, और फोकस हो जा, जो सामने ये पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग रही, मेरी पतंग आराम से खड़ी है आसमान में, और ये बंदा भी लड़ाने आराम से, चलो इससे लड़ाते हैं दिखाते हैं। तो देखो ये पेज आ गया, रेड वाली जो पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग रही, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और जो ये बंदा दिख रहा है ब्लैक वाला, ये ऊपर से आ रखा है। और ये बार बताऊँ क्या कर रहा है, पतंग पहले पटक रहा है और फिर पतंग लेके अपनी भाग जा रहा है, मतलब ये लड़ाना भी चाह रहा है और इसे डर भी लग रहा है, बेचारा डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करे, लड़ाए कि नहीं लड़ाए, कन्फ्यूज हो गया है वो। तो देखो ये आ गया ब्लैक वाला, मेरी नीचे से रही, मारा इसने, और भाई तू भी जा, बेचारा बेमौत मर गया, डोर इसे भी नहीं मिली। तो इससे हमने देखो लगातार चार पतंगें काट दी हैं। तो एक और बंदा आगे से आ रहा है, इसकी भी लड़ा के आपको दिखाते हैं। तो देखो ये हमारा पेज आ गया, नीचे वाली पतंग हमारी रही, हम नीचे से लड़ा रहे हैं, और ऊपर से देखो ब्लैक वाली पतंग दिख रही होगी हमारे अपोनेंट की पतंग भी ऊपर से आ रखा है। तो देखो ये हमारा पांचवा पेज लड़ रहा है,
अभी हमने चार पतंगे काट रखी हैं, ये गए हम नीचे से। उठा के दिए हमने पतंग उसे। अब देखो हमारा जो अपोनेंट है ना, वो पतंग अपनी पटक नहीं रहा, तो मैंने खींच गया मैं पूरी पतंग, और ये भी बेचारे बेमौत मारेगा, इन्हें भी डोर नहीं मिली हमारी। तो देखो एक और पतंग इससे काट दी है। एक और पेज भाई आ गया, तो जो पतंग आपको रेड सर्कल के अंदर दिख रही होगी मेरी पतंग में, मैं नीचे से आ रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग भाई वो ऊपर से आ रखा है, हमारी पतंग नीचे से है। गया गया, खींची बाहर की, और भाई अब की बार क्या हुआ, हमारी जो पतंग थी ना, हमारे अपोनेंट ने एकदम मुंह के पास हमारी पतंग खींच दी, तो उस दर हमारी डोर थोड़ी टाइट थी, तो यहाँ पे अब की हमारी पतंग कट गई है पांच पतंगें काटने के बाद। तो दोस्तों हमने वाली पतंग छोड़ी थी डेढ़ गन्नी बना के, और वो पतंग ने हमारा पूरा साथ दिया, पांच पतंग हमने उस पतंग से काट भी दी। तो अब देखो हम नॉर्मल गन्नी की पतंग छोड़ रहे हैं, अब हवा भी थोड़ी हल्की हो गई, तो डेढ़ गन्नी देखो तेज हवा में काम करती है, लेकिन मैंने तब भी मीडियम हवा में पतंग छोड़ दी थी, तब भी उसने अच्छा वर्क करा है। तो अब देखो नॉर्मल कन्नू की पतंग है पूरी ब्लैक कलर की, तो इसको अभी पार करते हैं, और सामने पतंगें उड़ रही हैं, और जिस बंदे ने अभी हमारी पतंग काटी थी ना, उसी से लड़ा के आपको दिखाते हैं, उससे भाई बदला भी तो लेना है अपनी डेढ़ कन्नी का। चलो फिर काटते हैं उसकी पतंग, दिखाते हैं। तो ये देखो ये हमारा पेज आ गया, तो रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग वो ऊपर से है। ये चले पतंग, देखो कैसे चला रहा हूँ मैं, मारा 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 मैंने, देखो अंदर की खींच दी पतंग, अंदर का पट मार दिया, और देखो उसकी पतंग हमने काट दी है। तो भाई हमने बदला ले लिया अपनी डेढ़ कन्नी पतंग का, सामने एक और पतंग है उससे उड़ा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो एक और पेज आ गया, रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग नहीं, मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग है वो नीचे से आ रखा है। अब ये वही बंदा है जो हमें नीचे का पेज ले रहा है खुद, लेकिन हमें पतंग उठा के नहीं दे रहा है, तो इसके लिए मैंने वही चाल अपनाई, मैंने क्या करा, पतंग पटक के डोरा छोड़ दिया था पूरा, और बेचारा हमारे जाल में फंस गया। देखो पतंग पटक रहा हूँ, ये पटकी काफ़ी नीचे कर ली थी उसने, और ये वाला आप भी कहोगे मैंने क्या पेच काटा है। देखो ये मैंने डोरा छोड़ा, वो समझ गया, जैसे उसने खींची मैंने पतंग खींची, लेकिन भाई मेरे जो पत्ता था ना उसमें मेरी डोर फंस गई पत्ते के, लेकिन तब भी मैंने पतंग उसकी काट दी। भाई मांझे इधर मैंने पतंग नहीं काटी, इधर मेरे मांझे ने पतंग काटी है, साजिद भाई के मांझे ने, और पतंग भी मैं खींच के ले आया था ये वाली। तो दोस्तों यही वो पतंग थी, इधर क्या हुआ, जो आपको नीचे पत्ता फटा हुआ दिख रहा है ना, हमारा कन्ना इसमें फंस गया था, जिससे कि पतंग हमारी अजीब सी हो गई थी, लेकिन तब भी हमने भाई पतंग काट दी, और पतंग घर वरों में टकरा के हम खींच भी लाए। देखो पतंग फट भी गई है थोड़ी यहाँ से, तो अभी इस पतंग को दोबारा रिपेयर करेंगे और दोबारा पेड़ लगाएंगे। और मांझा भाई आपको दिखाऊं तो मांझे ने बहुत साथ दिया मेरा, साजिद भाई के मांझे ने ये वाला पेच काटा है, वरना इधर तो मेरी पतंग 100% कटी हुई रखी थी। तो भाई मज़ा आ गया।